एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस की संख्या 885 के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को भी कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। मुंबई, कर्नाटक, भीलवाड़ा में एक एक बुजुर्ग की मौत हुई है। मतलब ये कि देश में कोरोना फैलता जा रहा है। कोरोना के मरीजों की मौत की तादाद और मरीजों की भी तादाद बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 885 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना को हराने के लिए आर्मी भी तैयार हो गई है। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा है कि इंडियन आर्मी कोरोना को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं मुश्किल घड़ी में गरीबों की मदद के लिए खाकी देवदूत बनकर पहुंचे हैं और खाकी की ओर से कई जगह पर गरीबों को खाना भी खिलाया जा रहा है। आज संपूर्ण लॉकडाउन का 4th दिन है। लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर घरों की तरफ लौट रहे हैं। दिन हो या रात, दिल्ली हो या नोएडा, हर जगह से मजदूर अपने परिवारों के साथ पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल गए हैं। हालांकि अब सरकार इन लोगों की मदद के लिए कई कदम भी उठा रही है। देश में कोरोना वायरस लगातार पैर अपना फैलाता जा रहा है। कल तक जो आंकड़ा 700 के करीब था, आज वही आंकड़ा 800 के पार पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के जानलेवा वायरस ने 4 लोगों की जान ले ली है। स्थिति अगर बिगड़ती है तो इसके लिए भी केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें पूरी तरह से तैयार हैं। इक्कीस दिन के लॉकडाउन के बीच कोरोना का वायरस लगातार पैर फैलाता जा रहा है। बढ़ते खौफ के बीच लोग घरों में बैठे हैं। हर दिन कोरोना देश में किसी न किसी की जान ले रहा है। हर घंटे कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना पॉजिटिव केसों की तादाद 800 से ज्यादा पहुंच गई है। शुक्रवार को 4 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक देश में 20 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में 65 साल की एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हुई है। कर्नाटक में भी 60 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी कोरोना ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। कहीं विदेश से वापस आए लोगों की लापरवाही ने लोगों को डेंजर जोन में डाल रखा है, तो कहीं विदेशी मेहमानों के साथ देश में आया कोरोना वायरस अब मौत का तांडव मचा रहा है। हालांकि सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। 17 स्टेट्स में ऑलरेडी COVID-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल या ब्लॉक्स बनाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सभी राज्यों से COVID-19 से निपटने के लिए आइसोलेशन बेड्स, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स फॉर COVID-19 और लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट जैसे कि PPEs और N95 मास्क की सप्लाई को भी फॉलोअप करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। राज्यों में इस तरह की किसी लॉजिस्टिक्स की कमी ना हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल लेवल पर एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है। लगातार बढ़ रहे केसों की संख्या को देखते हुए सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार ने 10,000 वेंटिलेटर्स के लिए एक PSU को ऑर्डर दिया है। BEL अगले 2 महीने में 30,000 वेंटिलेटर्स की सप्लाई करेगा। कोरोना से लड़ने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। सरकार ने नेशनल मेडिसिन गाइडलाइन भी जारी कर दी है। 17 राज्यों में कोरोना से लड़ने के लिए अस्पतालों का निर्माण भी किया जा रहा है। मान लीजिए 100 केस एक दिन में बढ़ जाएं, उसके लिए भी आज की हमारी सारी व्यवस्था तैयार है। मान लीजिए 500 केस एक दिन में रोज बढ़ जाएं, उसके लिए भी हम तैयार हैं। मान लीजिए 1,000 केस बढ़ जाएं, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमने सारे टेस्टिंग किट्स का इंतजाम कर लिया है, एम्बुलेंसेज का इंतजाम कर लिया है, ICU के बेड्स का इंतजाम कर लिया है, हम अपने PPE का इंतजाम कर रहे हैं, थोड़ी सी शॉर्टेज है उनका इंतजाम कर रहे हैं। सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार चिंता बढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल में एक ही परिवार के 5 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पश्चिम बंगाल में मिले इन मरीजों में 9 महीने, 6 साल और 11 साल के बच्चे शामिल हैं। परिवार की 2 महिलाओं की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा केरल में 39 नए पॉजिटिव केस आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 28 और नए केस आए हैं।
तमिलनाडु में कोरोना के 9 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 7 नए पॉजिटिव केस आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 3 जबकि दिल्ली में 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सरकार की चिंता सिर्फ पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा ही नहीं है बल्कि विदेश से आए लोगों की तरफ से ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी न मिलना भी परेशानी बना हुआ है। बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 6 ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान देश ने कोरोना को हराने का प्रण लिया है। आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और इस मुश्किल लड़ाई में सरकार का साथ दीजिए। आपकी सावधानी से ही कोरोना की हार होगी। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है उसका 4th दिन है। आम लोग घरों में कैद हैं लेकिन हजारों मजदूर अपने घरों के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। कल रात को भी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हजारों की तादाद में मजदूर मौजूद थे जिन्हें आज सुबह यूपी रोडवेज की बसों के जरिए ले जाया गया। आज सुबह 4:30 बजे दिल्ली यूपी बॉर्डर पर यूपी रोडवेज की कई सारे बसें पहुंची और वहां मौजूद लोगों को लेकर गई। एक अफवाह के बाद कल शाम से ही सैकड़ों मजदूर आनंद विहार बस अड्डे पर जमा हो गए थे। उनमें से कुछ तो पैदल चलना शुरू कर चुके थे। इसके बाद सरकार हरकत में आई। रात भर लोगों ने बॉर्डर पर इंतजार किया और सुबह यूपी रोडवेज की बसों से उन्हें ले जाया गया। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से गाजियाबाद में बड़ी तादाद में लोग पैदल ही चलकर बस अड्डे के पास पहुंच रहे हैं। जब प्रशासन की ओर से इन लोगों को देखा गया तो उनके लिए बसों का इंतजाम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं और अब उन्हें दूसरे जगहों पर ले जाया जा रहा है और बड़ी तादाद में ऐसी ही भीड़ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम लोग कई राज्यों में फंसे हुए हैं इसलिए सीएम योगी एक्शन में हैं। कल उन्होंने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को ठीक तरह से देखभाल कर उन्हें रखा जाए। मजदूरों की ये भीड़, लॉकडाउन तोड़ने की ये तस्वीर जैसे ही सीएम योगी तक पहुंची वो फौरन एक्टिव हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले हाई लेवल मीटिंग की फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों से बात की। इस दौरान योगी ने न सिर्फ हालात का जायजा लिया बल्कि आला अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए। सीएम योगी ने कहा कि बॉर्डर पर जहां भी लोग हैं उन्हें वहीं रोका जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए, स्कूल और धार्मिक स्थलों में रहने की व्यवस्था की जाए। बैठक के अलावा योगी ने शुक्रवार को हरियाणा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और इन राज्यों में रह रहे यूपी के लोगों की देखभाल करने की अपील की। योगी ने कहा कि इनके खाने पीने और रहने में जो खर्च आएगा उसका पेमेंट यूपी सरकार देगी। मैंने प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को रखा है और साथ साथ गृह मंत्री भारत सरकार के संज्ञान में भी मैंने इस बात को रखा कि भाई इस तरीके से अगर लोग चलेंगे तो समस्याएं पैदा होंगी और बीमारियां इनके साथ जा सकती है, इसलिए इसको वहां पे रोकना, वहां पे उनकी व्यवस्था देना एक इसके लिए आपकी जिम्मेदारी होगी कि उस संबंधित राज्य में आपके नंबर पर जो भी फोन आए उसको प्रॉपर रिसीव करवाना और फिर उसको फॉलोअप करते हुए आगे बढ़ाना, उसको वहां सहायता दिखाई भी देनी चाहिए। योगी सरकार ने 12 राज्यों के लिए नोडल अफसर तैनात किए हैं। ये दूसरे राज्य के संबंधित अधिकारियों के साथ यूपी के नागरिकों को मदद पहुंचाएंगे। अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए कुछ न कुछ लोग उत्तर प्रदेश में हैं, तो उन सब की व्यवस्था की जिम्मेदारी हम लोग अपने ऊपर ले लिए हैं। मेरे पास भी हरियाणा से भी, उत्तराखंड से भी और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के फोन आए थे। कल बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी फोन था, उप मुख्यमंत्री का फोन भी आया था और मैंने उनको इस बारे में आश्वस्त किया। मैंने कहा जो वहां से रहने वाले लोग हैं उनकी सारी व्यवस्था हमारा यहाँ पर हमारी राज्य सरकार करेगी, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सारी व्यवस्था करेगा, उनको रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनकी अन्य औषधि की व्यवस्था। लॉकडाउन से होने वाली परेशानी पर योगी सिर्फ बैठ के ही नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद फील्ड में जाकर इंतजामों को देख भी रहे हैं। शुक्रवार को योगी लखनऊ के कम्युनिटी किचन में गए, वहाँ की तैयारियों का जायजा लिया। इस कम्युनिटी किचन में रोजाना हजारों लोगों के लिए खाना बनता है और फिर यहाँ से पूरे लखनऊ में जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाता है। यही नहीं, योगी सरकार ने लॉकडाउन से परेशान लोगों के लिए
एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये नंबर है 112। यूपी पुलिस की 112 सर्विस में रोजाना करीब 20,000 फोन आ रहे हैं। सरकार ने बकायदा इसके लिए एडीजी असीम अरुण को तैनात किया है। सबसे ज्यादा कॉल्स हमारे पास आ रही हैं लॉकडाउन के वायलेशन की। मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि इसका मतलब नागरिक बहुत जागरूक हैं, और जो जागरूक नहीं है, जो गलती कर रहे हैं, उनके बारे में तुरंत हमको खबर मिल रही है और पुलिस रिस्पांस व्हीकल या पीआरवी जा करके उसको इन्फोर्स कर रही है। दूसरे कॉल्स हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं हेल्प के रिलेटेड। कोई कहीं फंस गया है, किसी के पास खाना खत्म हो गया है, किसी की दुकान नहीं खुली है, कोई दवाई नहीं मिल पा रही है, इस तरह कॉल्स हमको मिल रहे हैं। उधर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर बड़े पैमाने पर पलायन को रोकने के लिए कहा है। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि गरीबों और मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना के खिलाफ आर्मी का ऑपरेशन नमस्ते।